Hi kids. Good morning. कैसे हो आप? My name is Mohini Aunty and today I have come to teach you something really fun. Okay? आपके घर बैठ के आप सभी बोर हो रहे हैं. समर भी शुरू हो गया है and you're getting bored. So am I. So let's do something fun. So आज मैं आपको कुछ fun चीजें सिखाने आई हूँ. And today we are going to learn how to make puppets. Okay? So we are going to make two types of puppets. One is these hand towel puppets. This is a cute teddy. This is a duckling. And this is a rabbit. Okay? And one is going to be a paper puppet, which is a caterpillar. Okay? So let's get started. Hi kids! So the first thing that we are going to do today or make today is a paper puppet and that is a caterpillar. Okay? हम एक caterpillar बनाएंगे और उसके लिए हमें जो चाहिए the things that we need to make a paper caterpillar puppet are an A3 size sheet, a colored sheet. ये A3 size की normal sheet जो आपको easily मिल जाती है. It has to be two colors. मैंने लिए हैं यहाँ पे एक रेड और एक ब्लू. आप ग्रीन, येलो, ऑरेंज कोई भी अच्छे ब्राइट कलर्स ले सकते हैं. एंड देन वी नीड अ पेंसिल, अ स्केल, अ शार्पनर इफ यू वांट, रबर, सिजर्स, ब्लैक स्केच पेन एंड ऑप्शनल आर सम मोर स्केच पेन्स एंड सम ग्लू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नाउ व्हाट आई हैव डन इज मैंने इस पेपर को हाफ से थोड़ा ज़्यादा, मतलब ये जो हाफ लाइन है उससे थोड़ा ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है स्केल से. ओके, सो यू कैन ड्रॉ अ लाइन विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इफ यू आर स्मॉल एंड फॉर बिग किड्स यू कैन डू दिस बाय योरसेल्फ. अब आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद You have to start drawing straight lines, okay? यू. So this is a horizontal line if you keep the paper like this. Then you have to draw lines from this line to the end, okay? So let me finish it. It doesn't matter अगर थोड़ी lines टेढ़ी भी हो जाती हैं. It's no problem because it's just a fun project. Perfection ki isme koi zarurat nahi because ultimately it turns out to be really cute looking and really really pretty. All right, so there we are. Hamari lines banke ready hain. Okay. Now what we have to do is, jo humne lines draw kari hain yahan pe, uske jo end ka part hai, aap dekh rahe honge ye thoda folded hai. To aapko ye 1 cm fold karna hai andar. Theek hai? आप फोल्ड कर दीजिए एंड देन यू ओपन इट अप अगेन. नाउ वी स्टार्ट कटिंग अक्रॉस दीज लाइन्स जो हमने ड्रॉ करी हैं. अब उनमें सिजर्स से आप कट करो. ओके, सो दिस इज रेडी. अब हमें क्या करना है, जस्ट टर्न द पेपर अराउंड एंड यू हैव टू जस्ट फोल्ड अलोंग दिस लाइन. ओके, तो हमें ये यू फोल्ड करना है. Okay. Now this is done.
नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमने जो ये पार्ट हमने फोल्ड किया था, दिस पोर्शन, यू हैव टू स्टिक इट ऑन दिस एज द बेस. सो ये यहाँ पे लेके यहाँ पे स्टिक करना है. कैन यू सी? ऑलराइट, ओके, लेट्स डू इट. And the last one. Okay. If you are using Fevicol or some liquid glue, उसको dry होने में थोड़ा time लगता है, तो आप glue stick भी इस्तेमाल कर सकते हैं. So this you can keep aside. अब मैंने दूसरे paper पे, इस red paper पे एक राउंड शेप, आप कटोरी ले सकते हैं या छोटी क्वार्टर प्लेट ले सकते हैं, एक मैंने फेस बनाया है कैटरपिलर का और उसकी छोटी सी गर्दन बनाई है, नेक. ओके, तो हम अभी इसको कट करेंगे. अब इसको हमें फिर से पेपर पे रख के वी हैव टू ट्रेस इट. और एक हमें पार्ट कट करना है इसका. यू कैन जस्ट ट्रेस इट नाइस एंड स्लोली विद द लिटिल नेक पोर्शन. ओके, नाउ लेट्स कट दिस आल्सो. So now we have two, ठीक है, ये आगे लगेगा और ये पीछे. अब इस पे आप राउंड गूगली आईज अगर आपके पास रेडी हो वो भी लगा सकते हैं, और यू कैन जस्ट ड्रॉ इट द वे आई एम गोइंग टू ड्रॉ. आप चाहो तो इसे रेड भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा पेपर ऑलरेडी रेड है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट ब्लैक. अब कैटरपिलर के दो एंटेनास भी होते हैं, ठीक है, तो मैंने एक इसी कलर की पतली पट्टी पे मैंने इसकी एक एंटेना ड्रॉ करी है. तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू जस्ट कट इट एंड मेक टू पार्ट्स ऑफ इट. इसी पट्टी पे फिर से रख के आई जस्ट यूज दिस साइड, गोइंग टू ट्रेस इट अगेन. ओके, सो दिस इज डन. अब हम इसे स्टिक करेंगे. यू जस्ट टर्न इट अराउंड एंड आई बॉल इट वेर एवर यू हैव टू प्लेस इट, मे बी हियर एंड वन हियर. Yeah.
Right. So this is ready. Now what we have to do is we have to stick these here like this. Okay. So I'll stick these and come back later in 2 seconds. अब मैंने इसके नेक वाली पोर्शन में ग्लू लगाया है और थोड़ा सा इधर भी. ओके. सो यू हैव टू अटैच द हेड लाइक दिस. ऑलराइट. एंड द अदर पार्ट like this. अब हमें इन दो पार्ट्स को यू हैव टू स्टिक देम टुगेदर. यू हैव टू पुट अ लिटिल बिट ऑफ ग्लू हियर एंड हियर. ओके. You might have to hold it थोड़ा 2 मिनट के लिए because it takes time to stick. But अभी ये stick नहीं हो रहा है, so I'll just show it to you like this. It will look something like this. Okay, ये अभी stick हो गया है and your paper puppet caterpillar is ready. Bye. Okay. So the next puppets that we are going to make, उसके लिए हमें चाहिए the two things, and these are very simple. The two things that we require are hand towels or washcloths. I have 3 here. One is in green, one is pink, and one is white. And some rubber bands. Okay. So मैं अभी पहला आपको एक टेडी बनाना सिखाऊंगी सिंपली बाय रोलिंग द वॉश क्लॉथ. यू हैव टू ओपन इट अप नाइसली. ओके. नाउ स्टार्ट. ओके. सो यू हैव टू फोल्ड इट एंड मेक अ स्लाइट क्रीज ताकि आपको पता चले यहाँ पे हाफ कहाँ है. नाउ दिस इज योर हाफ. ओके. नाउ यू हैव टू स्टार्ट रोलिंग दिस फ्रॉम हियर एंड दिस फ्रॉम हियर सेंटर तक. ठीक है. यू माइट नीड somebody's हेल्प टू होल्ड इट when यू आर रोलिंग द अदर साइड. सो लेट्स स्टार्ट नाइसली प्रेसिंग इट जेंटली. ओके. ये हम मिडिल तक पहुंच गए. नाउ फ्रॉम द अदर साइड रोलिंग 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 एंड वी आर हियर. ठीक है. आपको अगर बीच में कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं, थोड़ा सा ठीक करना है, तो आप कर सकते हैं. सो इट लुक समथिंग लाइक दिस. ओके. नाउ व्हाट यू डू इज यू कैन जस्ट आईबॉल इट. ये अगर हाफ है तो आपको हाफ से थोड़ा ऊपर यू हैव टू जस्ट ग्रैब होल्ड ऑफ दिस पीस दिस एरिया. ओके. एंड दिस एरिया. ठीक है. इट्स वेरी सिंपल. और आपको उसको हल्के से ट्विस्ट करना है एक के ऊपर. ठीक है. आई विल शो इट टू यू अगेन. वी जस्ट रोल्ड इट एंड रोल्ड इट. ठीक है. ये सेंटर था इसका हाफ. हाफ से थोड़ा ऊपर यू हैव टू होल्ड इट एंड विद योर लेफ्ट हैंड यू हैव टू होल्ड दिस पार्ट. नाउ पिक इट अप एंड जस्ट टर्न इट सो दैट दिस पार्ट इज ऑन टॉप ऑफ दिस पार्ट. ये थोड़ा लंबा होना चाहिए, ये थोड़ा छोटा होना चाहिए. ठीक है. एंड फिर ग्रेजुअली लेफ्ट हैंड से इधर पकड़ो आप. ठीक है. एंड इसको थोड़ा सा खोल दीजिए. जो हमने रोल किया था इसको खोल दीजिए. ठीक है. नाउ राइट अबाउट हियर
I'm going to hold it nice and tight with my left hand. My right hand is free. And take a rubber band and elastic. Theek hai? And put it twice. मेरे पास येलो कलर का ही है. अगर आपके पास ब्लू वॉश क्लॉथ के लिए ब्लू इलास्टिक हो तो दैट विल लुक मच नाइसर. आप धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, नाउ ओपन दिस अप. ओके, टेक वन मोर इलास्टिक एंड दिस बिकम्स वन ईयर. उसी तरह से take the other elastic, open it up and make another ear. Adjust karke isko thoda sa. Now I have some bindis. Again, if you have googly eyes, that's really nice. But if you don't, you can use your mama's bindis and put two cute little eyes. And there you go. So ये आपका टेडी रेडी है. अब मैं एक सैटिन रिबन लूंगी एंड टेडी को थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं. ओके, और अभी इस टेडी को एक क्यूट सा मफलर पहना दिया हमने. तो योर टेडी इज रेडी. Okay, so the next thing that I'm going to make is a baby duckling or a chick. So we take the same sized washcloth. Abhi ye humne pichli baar square rakha tha, aise. Now you have to just keep it diagonally so that the points are facing you. Okay, isko aap fold kar dijiye ek triangle mein and press it nicely. Now start rolling. Okay, now when you reach here, you just leave this tip outside. Don't roll all the way, okay? Just let this small tip stay. Then, ye jo do parts hain, ye aur ye, you just bring them back. Peeche le lijiye aap, okay? Aur right hand se aap utha lijiye. Isme aap thodi adjustment karke, I've just adjusted it like this. Okay. Right. Now, ये this part इसको इधर पकड़िए. When you are taking, when you are holding it here, use your left hand to lift up this part and hold it here with this finger. And this part lift and hold it together now. Right. एंड अभी आपने यहाँ पे अगेन एक इलास्टिक टाई करना है. ट्राई टू मेक श्योर कि जब आप इलास्टिक लगाते हो, इसमें रबर बैंड लगाते हैं, तो रबर बैंड हैज टू ओवरलैप, तो ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगेगा. This became a cute little duckling. थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके the beak is set and these are its cute little wings. Again, you can put a bindi here. And here. क्वैक क्वैक. अब हम बनाएंगे एक रैबिट. अगेन टेक द वॉश क्लॉथ, प्लेस इट डायगोनली और इसको ट्राइंगल बनाना है. एंड पहले हमने जैसे फोल्ड किया था रोल,
वैसे ही रोल करना है. इस बार इफ यू रोल इट ऑन टॉप ऑफ दिस दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम. प्रेस इट नाइसली. अब हमें वी हैव टू गेट दीज टू पीछे लाइक दिस, एडजस्ट इट प्रॉपरली एंड लेफ्ट हैंड से ये पकड़ के इधर द एंड पार्ट्स हमें इसको यू करके ऊपर लेके आना है एंड देन होल्ड इट टाइट विद योर लेफ्ट हैंड. नाउ सिक्योर इट विद एन इलास्टिक. Bunny. The bunny. Ready. Bye.